वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मजे में होंगे। आज का जो वीडियो है ये है रिएक्शन ऑन अ फिल्म कॉल लड़की। रिसेंटली इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है। ये जो फिल्म है ये राम गोपाल वर्मा ने बनाई है। अब हम सबको पता है कि राम गोपाल वर्मा की जो फिल्में होती हैं वो किस लेवल की होती है। तो राम गोपाल वर्मा की फिल्में तो आउटस्टैंडिंग होती है, हम सबको पता है। उनके जो पास्ट फिल्में हैं वो सब लोगों ने देखा है, स्पेशली जो 90s के हैं वो सारे फिल्में तो आउटस्टैंडिंग थे, और हॉरर वाली फिल्में भी बहुत अच्छी होती है। तो फिर अभी बहुत टाइम से राम गोपाल वर्मा की कोई फिल्म नहीं आई है, राइट? अभी ये ट्रेलर लॉन्च हुआ है तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें एक रिएक्शन वीडियो बनाया जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, उसके बाद बात करेंगे कि क्या है ट्रेलर में स्पेशल। Water can flow or it can crash. Be water, my friend. कौन मारेगा? इस लड़की ने अकेले उन गुंडों को मारा। ओके, तो इस फिल्म में जो लड़की है वो कुछ सेल्फ डिफेंस जो है उसको बहुत अच्छे से आता है, और जबरदस्त मार्शल आर्ट वगैरह सीखा हुआ, ट्रेनिंग किया हुआ दिख रहा है मुझे। फिल्म के लिए पक्का उसने ट्रेनिंग लिया होगा। मैं ना पागल होता जा रहा हूँ, प्यार में पागल। वाओ, ये अंतरा माली की तरह लग रही है मुझे थोड़ी थोड़ी। सामी, इस जगह का मालिक। उसका एक फिल्म आया था ऐसी टाइप का। सोचना कि कोई चुसलिया के तेरा तुझे बचा लेगा। अरे कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, ऐ तो लड़की ही ना। इसके साथ फाइट करने में बहुत मजा आएगा बिस्तर में। मार्शल आर्ट सिर्फ हाथ पर हिलाने के लिए नहीं सीखा है, बल्कि वक्त आने पर इस्तेमाल करने के लिए सीखा। पूजा, तू उन लोगों से नहीं लड़ सकती, वो गुंडे हैं। देखा मार्शल आर्ट। हाँ मैं, ये जो कोई बोलता ना कि तू लड़कों से नहीं लड़ सकती है, बिल्कुल पसंद नहीं मुझे। कोई सिखा, ये हर लड़की को आना चाहिए। सुनिधि की आवाज में ये गाना। मेरे दिल से हट, अभी इस पल से हट। ब्रूस ली, आर यू सीरियस? ब्रूस ली, मैं बता रहा हूँ, ब्रूस ली तेरी लाइफ में डिजीज बन चुका है। ही इज एन इवल। पूजा, साला बहुत हो गया, खुद को झांसी की रानी समझती है क्या? तो हम क्या ना मर्द हैं कि हाथ में हाथ लिए बैठे रहेंगे? इन लोगों को लग रहा होगा कि एक लड़की इनका क्या बिगाड़ सकती है, लेकिन उन्हें पता नहीं है। That being a woman, जबरदस्त, क्या है यार ये फाइट? My God. गॉड, व्हाट अ मूवी। लाइक ट्रेलर से लग रहा है, यू नो, ट्रेलर से ही लग रहा है कि क्या मूवी होगा। गाइज, ये जो लड़की है इसका नाम है पूजा भालेकर। इसकी ये फिल्म लगता है फर्स्ट फिल्म है, क्योंकि मैंने इसके पहले इसका कोई फिल्म देखा नहीं है। अगर ये इसका डेब्यू है तो ये बहुत आउटस्टैंडिंग है। लाइक इसने ये जो है मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग लिया है ऑब्वियसली, क्योंकि इसके बॉडी से लग रहा है कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली गई है। बॉडी कितनी अच्छी लग रही है, ओवरऑल मूवी बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया गया है। और ये जो फिल्म है ये फर्स्ट टाइम एक लड़की ऐसा मार्शल आर्ट करते हुए दिखाई दे रही है। लाइक इंडिया का तो ये फर्स्ट फिल्म है, और वैसे भी टाइटल में भी लिखा है ये पूजा भालेकर ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। ये मूवी हर किसी को देखना चाहिए, आई मीन स्पेशली लड़कियों को देखना चाहिए कि कैसे सेल्फ डिफेंस हम लड़कियों को करना चाहिए, है ना। बहुत कुछ सीखने मिलेगा इस मूवी में। मुझे ये मूवी का ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अमेजिंग है। आई होप कि गाने भी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन ओवरऑल मूवी बहुत अच्छा है। ऐसे टाइप की जो फिल्म होते हैं ना, इनको गानों की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ओवरऑल फिल्म ही बहुत
जबरदस्त होती है, स्टोरी लाइन वगैरह मुझे अच्छा लग रहा है कि एक लड़की कैसे खुद का ख्याल रख सकती है, एक सेल्फ डिफेंस जो होता है, खुद के बारे में सोचना, खुद के टेक केयर करना, खुद को किसी की जरूरत नहीं है, एक लड़की को किसी की जरूरत है, उसमें एक डायलॉग भी था, तो बड़ा मजा आया मुझे देखकर। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। गाइस टेक केयर, सी यू सून, बाय।